Hello everyone, this is Ashishan. This is another video on income from PGBP. देखिए, हमने अब तक PGBP में जो भी डिस्कस किया है दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑल दी एक्सपेंसेस दैट व्हाट एक्सपेंसेस आर अलाउड एंड व्हाट एक्सपेंसेस आर डिसअलाउड. नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट द इनकम. देखिए, पीजीबीपी में एक तो है आपका सेक्शन 28 और कुछ आपके अदर सेक्शन हैं. सेक्शन 28 बेसिकली टॉक अबाउट डायरेक्ट इनकम कि कौन कौन सी इनकम जो है पीजीबी में लिखे हैं, जो कि डायरेक्ट इनकम जो कि होती है मेजरली, एंड सम ऑफ आर डीम्ड इनकम. दैट मीन्स वो इनकम होती नहीं है लेकिन उनको माना जाता है, ठीक है. एंड डीम्ड इनकम वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन वेरी डिटेल. जैसे देखिए, लाइक सपोज इफ वी टॉक अबाउट बैड डेट, अगर बैड डेट अगर रिकवर होंगे तो जिस ईयर में वो रिकवर होंगे वो इनकम मानी जाती है, तो वो क्या है, डीम्ड इनकम है, ठीक है. तो वो अदर सेक्शन में हमने सब कुछ वो पढ़ लिया है इन डिटेल क्या क्या है, ठीक है. तो हम पढ़ेंगे, फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम सेक्शन 28 से, जो कि बात करते हैं डायरेक्ट इनकम की, ठीक है. देखिए, फर्स्ट स्टेप देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर इसका, आपका प्रॉफिट और गेन फ्रॉम एनी बिजनेस और प्रोफेशन. दैट मीन्स इफ एनी प्रॉफिट और गेन अराइज फ्रॉम रनिंग बिजनेस और प्रोफेशन, सो वो आपकी इनकम में काउंट होता है. अब आप पूछोगे सर इसमें नया क्या है, अगर आप ये पॉइंट नहीं भी लिखते तो भी ये हम मानते ही, कोई दिक्कत नहीं थी. देखिए, बात ये नहीं कि मेरे बताने या ना बताने से, इसकी देखिए दो पॉइंट है कि मैंने ये पॉइंट लिखा. एक तो ये कि बुक में है तो मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट करके लिख दिया, सीधी सी बात है, ठीक है. लेकिन दूसरी बात यह है कि आप सब ये बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स के लेवल का पढ़ रहे हो. अगर आप थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे जाते हो जैसे CMA या CS या CA, तो फिर प्रॉफिट और गेन पे बहुत लंबी डिस्कशन होती है. दैट मीन्स अगर मान लीजिए मैं आज इसी पॉइंट पे डिस्कस करने बैठूं तो कम से कम 2 घंटे तो आपको इसी इसी में ही डिवोट करने पड़ेंगे कि प्रॉफिट क्या लेंगे और गेन क्या लेंगे, ठीक है. सो फ्रॉम द इंटरमीडिएट लेवल या बीकॉम प्रोग्राम बीकॉम ऑनर्स लेवल के लिए हमें इससे कुछ ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना, ठीक है. सो बस आप सिंपल सिंपल समझिए कि एनी प्रॉफिट और गेन अराइज फ्रॉम रनिंग बिजनेस और प्रोफेशन दैट विल काउंट डायरेक्ट इनकम अंडर पीजीबीपी फ्रॉम सेक्शन 28, ओके. सेकेंड पॉइंट, मैनेजमेंट कंपेंसेशन. देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो यू जस्ट अज्यूम योरसेल्फ दैट यू आर अ बिजनेसमैन और बिजनेस वूमेन, ठीक है. सो इससे क्या होगा दैट यू कैन ईजिली कैच अप ऑन द कंसेप्ट वेरी वेल, ठीक है. सो सेकेंड पॉइंट क्या देखा हमारा, मैनेजमेंट कंपनसेशन. इसका मतलब क्या है, आप मान लीजिए किसी भी इंडियन कंपनी के, देखिए आप यहाँ से, या तो आप किसी इंडियन कंपनी के या फॉरेन कंपनी के या गवर्नमेंट के आप मैनेजर हो. आई रिपीट, आप इंडियन कंपनी के, फॉरेन कंपनी के या किसी गवर्नमेंट के आप मैनेजर हो, ठीक है. आप उस मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट के मैनेजर हो, ठीक है, और ड्यू टू चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, ड्यू टू चेंजेस इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, देन द इंडियन गवर्नमेंट और फॉरेन कंपनी और गवर्नमेंट विल गिव कंपेंसेशन, ओके. देखिए होता क्या, मान लीजिए आप किसी भी कंपनी के मैनेजर हो, अगर उनके टर्म्स की वजह से या फिर कोई जो टर्म्स है जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ, तो उसमें क्या करते हैं, कंपनी आपको एक कंपेंसेशन देती है. तो वो कंपेंसेशन आपके कौन से इनकम मानी जाएगी, वो कौन सी इनकम मानी जाती है, पीजीबीपी इनकम, ठीक है. अब इसको हम थोड़ा इन डिटेल पढ़ते हैं कंपेंसेशन के बारे में. जैसे लिखा हुआ है अदर कंपेंसेशन रिलेटेड टू बिजनेस और प्रोफेशन, तो फिर वो टैक्सेबल हो गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है. देखिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, अदर कंपेंसेशन रिलेटेड टू बिजनेस और प्रोफेशन, यहाँ पर ये भी है. सपोज इफ यू आर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट
with अदर बिजनेस. सपोज देर इज टू बिजनेस ए एंड बी. आपके आपके बिजनेस का नाम क्या ए, एंड यू आर एंट्रिंग इन टू कॉन्ट्रैक्ट विद बी. ठीक है. एंड मान लीजिए ड्यू टू सम क्लॉजेज, और यू कैन से लाइक ड्यू टू सम रीजन, बी ने क्या करा है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट पहले ही टर्मिनेट कर दिया टाइम से पहले. ठीक है. या फिर मान लीजिए सपोज देर इज अ सप्लाई है. ठीक है. सप्लाई आपको दे रहा है, बी दे रहा है आपको, बी दे रहा है, उसकी वजह से स्टॉक जो है वो जल्दी आपके यहाँ पहुँच गया, उसने जल्दी पहुँचा दिया, तो आपको वेयर हाउस में जो है उसको दिक्कत हो गई कि आपको वेयर हाउस में आप ऑलरेडी फुल है, तो स्टॉक कहाँ रखोगे. तो कुछ टाइम के लिए वो स्टॉक आपको बाहर रखना पड़ता है, जिसकी वजह से स्टॉक जो खराब हो गया. ठीक है. तो उसके वजह से जो है अगर टर्म्स में या फिर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट में अगर टाइम से पहले या टाइम के बाद फिनिश होता है, जिसकी वजह से आपके मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है. ठीक है. तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंपनसेशन मिलता है, अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है, तो वो टैक्सेबल होता है अंडर पीजीबीपी. ओके. नेक्स्ट पॉइंट रिलेटिंग टू कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट. मान लीजिए अगर आपका किसी दूसरे बिजनेस में अगर आपने कैपिटल ले ली, उस टाइम के लिए ले कैपिटल. ठीक है. कोई भी एसेट ले ली, जैसे मान लीजिए कोई मशीन दीजिए आपसे उधार ले गई. ठीक है. कोई कोई दूसरी कंपनी या दूसरी बिजनेस आपने उसको दे दिया, उसको और क्या हुआ कि मशीन जो उसने खराब खराब कर दी, तो उसके वजह से जो आपको लॉस हुआ, तो वो कंपनी आपको कंपेंसेट करती है. तो इस केस में जो अगर कैपिटल एसेट हो, तो उसको क्या मानते हैं, ट्रीटेड एज सेल, ट्रांसफर मानते हैं. और उससे अगर कोई भी अगर आपको कोई गेन हुआ या लॉस हुआ, दैट विल अराइज कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस. ठीक है. कैपिटल एसेट से रिलेटेड कोई भी कंपनसेशन हुआ, तो कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस अराइज होगा. वही अगर स्टॉक से रिलेटेड हुआ, तो फिर पीजीबीपी हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट, दैट मीन्स अगर मान लीजिए अगर आप जॉब कर रहे हो, साइड इनकम पर्सन हो. ठीक है. अगर आपको एम्प्लॉयर से किसी तरह का कोई भी कंपनसेशन मिलता है, तो वो सैलरी हेड में जाके टैक्सेबल होता है. ठीक है. और अगर कोई और अदर पर्सन दे, तो फिर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाके ऐड हो जाता है. अब आप में से पूछोगे कि सर हम तो पढ़ रहे हैं पीजीबीपी, लेकिन आपने यहाँ पर सब कुछ पढ़ा दिया, सैलरी में भी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में. मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैं को जो है कंपनसेशन ये कंसेप्ट जो मुझे यहीं पर जो है क्लियर करना था. ठीक है. अब चाहे वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आए, चाहे वो सैलरी में आए, चाहे वो पीजीबी में आए, कहीं पर भी आए, इसका मतलब ये हो कि कंपनसेशन हमने आज इसका फुल्ली कंसेप्ट पढ़ लिया कि अगर कंपनसेशन अगर हम किससे भी रिसीव कर रहे हैं, अगर बिजनेस से रिलेटेड है तो पीजीबीपी, स्टॉक से रिलेटेड हुआ तो फिर पीजीबीपी, कैपिटल से रिलेटेड हुआ तो कैपिटल गेन, एम्प्लॉयर ने दिया तो सैलरी, किसी और ने दिया तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. सो आज हमने फुल फ्लैश जो कंपनसेशन से रिलेटेड सारे पॉइंट कवर कर लिए. ओके. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स. बहुत दीजिए अगर मान लीजिए अगर आपको किसी तरह का कोई इंसेंटिव मिल रहा है, बट वो किस से रिलेटेड है, एक्सपोर्ट से रिलेटेड इंसेंटिव मिल रहा है. जैसे देखिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस. देखिए इम्पोर्ट लाइसेंस आपकी एसेट होती है. ठीक है. अगर आपने उसको बेच दिया, ठीक है, उससे अगर कोई प्रॉफिट हुआ, या फिर देखिए लेन देन में बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट हुआ, तो फिर उस केस में अगर आपको कोई प्रॉफिट है, तो वो पीजीबीपी इनकम होती है. फिर लिखा है बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड, क्या क्या होते हैं, जैसे जैसे देखिए ड्यूटी ड्रॉबैक ऑफ कस्टम्स या फिर सेंट्रल एक्साइज, किसी भी नाम से हो, अगर आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव से रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रॉफिट हो रहा हो, किसको बेचने से, इम्पोर्ट लाइसेंस, सो वो आपकी पीजीबीपी इनकम होती है एज पर सेक्शन 28. ओके. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 4, एनी बेनिफिट और परक्विजिट इन बिजनेस और प्रोफेशन दैट विल अराइज इनकम फ्रॉम पीजीबीपी. क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए आपका एक बहुत अच्छा बिजनेस है. ठीक है. तो मान लीजिए आप किसी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आए, आपने उसको सप्लाई किया. ठीक है. जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, मान लीजिए एक कंपनी है, जैसे मान लीजिए वो होलसेल पे काम करती है और आप रिटेल पे काम करते हो. ठीक है. आपने जो है इससे काफ़ी सारा रॉ मटेरियल जो है ऑर्डर के लिए दिया. ठीक है. तो इसने क्या कर, इसने खुश हो गए आपको एक मान लीजिए 2 लाख रुपए का आपको जो है फैमिली हॉलीडे पैकेज दिया. ठीक है.
तो ये हॉलीडे पैकेज वैसे तो आपका पर्सनल एक्सपेंस है, लेकिन ये हॉलीडे पैकेज आपको बिजनेस से रिलेटेड मिला, बिजनेस से मिला, तो ये आपके कौन से इनकम मानी जाएगी? पीजीबीपी इनकम होगी। ओके, नेक्स्ट, इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन रिसीव्ड बाय पार्टनर, याद रखना। देखिए ऊपर जो हमने पढ़ा था, देखिए लास्ट से, देखिए लास्ट चैप्टर पढ़ा था, सैलरी पढ़ा था। सैलरी अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का देता है तो हमने कहाँ पढ़ा था वो किस अमाउंट से सैलरी बनाया था, पर आपको पता है रेगुलर सैलरी कब होती है? उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का किसी तरह का कोई पीएफ काटता है, चाहे वो एसपीएफ हो, यूआरपीएफ हो, एसपीएफ हो, तो उस एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की तरफ माना जाता है। लेकिन यहाँ पर बात करें पार्टनर्स की, कोई फर्म है या एलएलपी है, अगर उस केस में फर्म है एलएलपी, पार्टनर्स को इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस या कमीशन देती है, तो वो इनकम जो पीजीबीपी में मान जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नॉन कम्पीट फीस, क्या मतलब इसका? अच्छा मैं एक बात बता दूंगा, यहाँ पर लिखा हुआ है पीजीबीपी टू द एक्सटेंट अलाउड अंडर सेक्शन 41, यानी कि इनकम तो मानी जाएगी लेकिन कोई लिमिट है यहाँ पर, इसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि ये क्या पॉइंट है। हाँ जी, फिर आपका फिफ्थ ए पॉइंट, दैट इज नॉन कम्पीट फीस। जैसे देखिए मान लो क्या होता है कि अगर लाइक असेसी बेसिकली गेटिंग एनी काइंड ऑफ फीस और एनी काइंड ऑफ बेनिफिट फॉर नॉट डूइंग एनी टास्क, यानी कि आप असेसी हो, आप किसी कंपनी में कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन कोई भी काम ना करने की वजह से आपको क्या हो रहा है, आपको एक कुछ भी एक ग्रांट मिल रही है, आपको फीस मिल रही है, कुछ भी नहीं, आपने कुछ भी नहीं किया फिर भी आपको किस तरह की फीस मिल रही है, तो उसके बोलते हैं हम नॉन कम्पीट फीस, और वो इनकम काम आई है कहाँ होती है? जीपीपी। नेक्स्ट पॉइंट, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है बेसिकली? देखिए किसी न किसी कंपनी में एक की मैन एम्प्लॉय होता है, की मैन एम्प्लॉय इन द सेंस लाइक से देर आर सम पर्टिकुलर्स और इवन से स्पेसिफिक एम्प्लॉयज दैट द कंपनी इज द होल कंपनी इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन। जैसे देखिए मान लीजिए कुछ सेल टारगेट की कंपनी है और किसी में एक स्पेशलाइज स्किल है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गया, ठीक है, या फिर लाइक एक पर्टिकुलर स्किल है कि वो अपनी सेल को बढ़ाता है प्लस कंपनी की सेल बढ़ाता है, तो वो अगर मान लीजिए काफ़ी लॉन्ग टाइम तक काम करता है वो पर्सन, तो वो कंपनी का जो की मैन पर्सन बन जाता है, तो वो उसको वो खो ना जाए या उसको कुछ हो ना जाए, एम्प्लॉय क्या करता है उसका एक इंश्योरेंस करा लेता है, तो उसको बोलते हैं की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, अगर उस इंश्योरेंस अगर वो टर्मिनेट हो जाए या फिर मैच्योरिटी टाइम आ गया या फिर डेथ हो गई ना होगी, तो फिर उस केस में उसकी पीजीबीपी इनकम आ जाती है। याद रखना लेकिन यहाँ पर तीन अलग केस हैं, अगर एम्प्लॉयर नॉमिनी हुआ तो पीजीबीपी इनकम अराइज होगी, एम्प्लॉय हुआ तो सैलरी इनकम अराइज होगी, कोई और अदर पर्सन नॉमिनी हुआ तो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इनकम होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक। स्टॉक कोई भी हो, चाहे वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो, चाहे वो वर्किंग प्रोग्रेस के फॉर्म में हो, चाहे वो फिनिश गुड्स, ठीक है। तो स्टॉक का तो बेसिकली आपको बिजनेस स्टॉक भी होता है। इफ़ यू आर कन्वर्टिंग दीज स्टॉक इनटू एसेट, स्टॉक को आप एसेट में कन्वर्ट कर रहे हो, अब पूछो कि सर एसेट को स्टॉक में कैसे कन्वर्ट करते हैं? वेरी सिंपल, एसेट अकाउंट डेबिट स्टॉक, दैट्स इट, ये होगा कन्वर्ट। ठीक है, तो उस केस में उसकी वैल्यू क्या मानी जाएगी? देखिए खाली बोला हुआ है मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, तो वो पीजीबीपी इनकम ऐड हो जाती है। ठीक है, यानी कि जिस टाइम असेसी ने या आपने कोई भी स्टॉक को अगर आपने एसेट में कन्वर्ट किया, तो उस टाइम के जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी वो पीजीबीपी इनकम होगी। बट इफ इन द केस ऑफ सेल ऑफ फ्यूचर ऑफ दिस कन्वर्टेड एसेट, देन द कॉस्ट विल इक्विवेलेंट टू मार्केट वैल्यू। जैसे मान लीजिए पहले आपने स्टॉक को एसेट में कन्वर्ट कर दिया, और फिर मान लीजिए आपने इसको 2 या 3 साल बाद आपने इसको बेच दिया, तो फिर इसकी जो कॉस्ट होगी वो क्या मानी जाएगी? उस टाइम की जो मार्केट वैल्यू वही मानी जाएगी, और फिर जितने भी सोल्ड आउट किया तो वो क्या माना जाता है? कैपिटल गेन माना जाएगा।
जैसे मान लीजिए आपने 19-20 में उसको कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद उसकी मार्केट वैल्यू 20,000 आ रही है, तो वो तो PGV भी इनकम मानी जाएगी। लेकिन मान लीजिए अगर 25-26 में आपने उसको 50,000 में बेच दिया, तो फिर इसके जो तो डिफरेंस होगा ना, वही क्या माना क्या होगा, कैपिटल गेन अराइज होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट सेक्शन 41(1), काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। पहले ये देखिए, ये है आपका पार्ट ए एंड दिस इज पार्ट बी। पार्ट ए क्या बोलते हैं, एक्सपेंस और लॉस क्लेम्ड एज डिडक्शन इन अर्लियर ईयर एंड रिकवरी ऑफ सच एक्सपेंस और लॉस दैट विल अराइज PGBP। यानी कि अगर आपने किसी भी तरह का कोई एक्सपेंस या लॉस, अगर आपने पिछले साल या फिर किसी भी साल आपने उसकी डिडक्शन यानी कि P&L में उसको डेबिट कर दिया और फिर अचानक वो रिकवर हो गया लॉस, तो फिर वो आपकी जिस ईयर में वो रिकवर हुआ उसको क्या मानते हैं हम, PGBP इनकम। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया दिया था बैड डेट, बैड डेट का पहले आपने उसको डिडक्शन ले लिया और फिर बैड डेट सबटाइम्स आपको वो अचानक मान लो आपको वो रिकवर हो गया, तो बैड डेट जब रिकवर हो जिस साल में जिस प्रीवियस ईयर में वो रिकवर हुआ दैट विल बी काउंट अंडर PGBP इनकम इन दैट पर्टिकुलर ईयर। ओके, अब पार्ट बी की बात करते हैं। इफ एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्लेम्ड एज डिडक्शन इन अर्लियर ईयर एंड नाउ देयर इज सीजेशन ऑफ ट्रेड लायबिलिटी। देखिए इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, मान लीजिए अगर आप कोई बिजनेसमैन हो, आप किसी दूसरे कंपनी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में आए, ठीक है, आपने मान लीजिए कोई स्टॉक उनसे खरीदा, अब उनको अब आपको जो है उनकी पेमेंट करनी है, तो आप कौन हो गए, ट्रेड लायबिलिटी हो गए, ठीक है, एक तरह से आप तो वो कंपनी आपके लिए ट्रेड लायबिलिटी खड़ी हो गई। मान लीजिए उस कंपनी ने आपको बैड डेट डिक्लेयर कर दिया, बैड डेट डिक्लेयर का मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स यू नाउ यू डोंट नीड टू पे एनी मोर, आपको बहुत ढूंढा या आप माने नहीं या बहुत चालक आप पेमेंट नहीं कर रहे, तो उस कंपनी ने आपको जो बैड डेट डिक्लेयर कर दिया, दैट मीन्स अब आपको उसकी पेमेंट नहीं करनी। तो उस केस में जो आपको पेमेंट ही नहीं करनी, तो उस केस में वो पूरा का पूरा अमाउंट आपका PGBP इनकम मानी जाएगी, ठीक है। तो 41(1) में क्या है, कोई एक्सपेंस लॉस इनकर्ड करा किसी अर्लियर में और वो अब जाके रिकवर हुआ, इसमें क्या आपको खुद ही जो है किसी ने क्या कहते हैं बैड डेट क्लेम कर दिया, बैड डेट का क्लेम कर दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 41(4) रिकवरी ऑफ बैड डेट। सेम वही है एग्जाम्पल लिखा होगा सेम, बस यहाँ पर कंडीशन याद रखना सेम पर्सन, दैट मीन्स जिसने यानी मान लीजिए अगर आपने किसी को बैड डेट डिक्लेयर किया और फिर बाद में जब वो अकाउंट अमाउंट रिकवर हुआ तो वो सेम पर्सन होने चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर आपने राम को डेबिट बैड डेट डिक्लेयर किया और फिर राम ने आपको पैसे जो वापस कर दिए, तो बैड डेट रिकवर वो राम से ही होगा, ठीक है, सेम पर्सन हुआ तभी वो इनकम आ रहा, मान लीजिए अदरवाइज नहीं हुआ। नेक्स्ट सेक्शन 44(a). देखिए अब जो हम कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, ठीक है, सो थोड़ा आराम से पढ़ेंगे। अगर देखिए किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा सो मैं बस इतनी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मैं जो भी वर्ड्स बोल रहा हूँ उसको आप बार बार सुनिए, ठीक है, वीडियो पॉज करो, नोट्स बनाओ अच्छे से और फिर नोट डाउन कर लो, आपको अच्छे समझ आएगा। चलिए पढ़ते हैं सेक्शन 44(a) क्या बोलता है। मान लीजिए आप 1920 ईयर में आप यहाँ पर खड़े हैं, अब आपको ये पता करना है इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर आपको पता करना है वेदर यू वॉन्ट टू और वेदर यू नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट और नॉट। आप इस प्रीवियस ईयर में खड़े हो और इस प्रीवियस ईयर के बिगिनिंग में आपको ये जानना है कि क्या आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत है या नहीं, ठीक है, ये आपको कौन बताएगा, सेक्शन 44(a). ओके, देखिए देखिए जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की जो मैंडेटरी है वो वैसे तो सबको ही करनी पड़ती है,
बट ये डिपेंड करता है कि आपका टर्नओवर या ग्रोथ रेट, प्लस डिपेंड करता है कि आप असेसी कौन हो, उसके हिसाब से जो इनकम टैक्स ने रूल बनाए हैं। जैसे देखिए, पहले बात करिए नोटिफाइड प्रोफेशनल्स। अगर आप नोटिफाइड प्रोफेशनल हो और अगर आपकी ग्रोथ रिसीट जो है 1,50,000 से एक्सीड कर रही है ड्यूरिंग ऑल ऑफ 3 प्रीसीडिंग ईयर, आई रिपीट, अगर आप नोटिफाइड प्रोफेशनल हो और आपकी ग्रोथ रिसीट 1.5 लाख से एक्सीड कर रही हो, कब? ड्यूरिंग ऑल ऑफ 3 प्रीसीडिंग ईयर। जैसे देखिए, आप 1920 में जानना चाहते हैं कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है या नहीं है, और अगर आप नोटिफाइड प्रोफेशनल हो तो अगर हमें लास्ट 3 ईयर में देखना पड़ेगा, लास्ट 3 ईयर्स में देखना पड़ेगा कि सब, यानी कि इन ऑल थ्री सब में जो है 1.5 लाख से ऊपर ग्रोस रिसीट आपको होने चाहिए। ठीक है, अब सर ये नोटिफाइड प्रोफेशनल्स कौन होते हैं बेसिकली, देखिए जरा, लॉयर, मेडिकल, इंजीनियरिंग, अकाउंटेंसी, फिल्म आर्टिस्ट, CA, CS, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, दीज आर बेसिकली नोटिफाइड प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट, बिजनेस और प्रोफेशनल, दैट मीन्स अदर देन नोटिफाइड प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो फिर उस केस में क्या हुआ, देखिए, अगर आपका नेट प्रॉफिट 2.5 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है या टर्नओवर 25 लाख से एक्सीड कर रहा है ड्यूरिंग एनी ऑफ प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यहाँ पर बात हो रही है एनी, यानी कि अगर आपका नेट प्रॉफिट 2.5 लाख से ऊपर या फिर टर्नओवर 25 लाख से ऊपर हुआ, कब हुआ? ड्यूरिंग एनी 3 प्रीसीडिंग ईयर, यानी कि किसी भी ईयर में, चाहे वो 1617 में हो, चाहे वो 1718 में हो, चाहे वो 1819 में, इन तीनों साल में किसी भी एक साल में अगर नेट प्रॉफिट 2.5 लाख से ऊपर चला गया तो उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना मैंडेटरी है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिस हो गया मुझसे, यहाँ पर ये जो पॉइंट है हम बात कर रहे हैं, ये बिजनेस और प्रोफेशन कौन है बेसिकली, या तो वो इंडिविजुअल हो सकते हैं या तो वो HUF हो सकते हैं। ठीक है, और फिर ये बात करिए अदर्स, ठीक है, यानी कोई और अदर बिजनेस प्रोफेशन हुआ और अगर उनका नेट प्रॉफिट 1,20,000 से ज़्यादा हुआ या टर्नओवर 10 लाख से ज़्यादा हुआ, कब? ड्यूरिंग एनी ऑफ प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, सो दे आर नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, नेक्स्ट थर्ड, एसएससी कवर्ड बाय प्रेजेंटिव टैक्सेशन, यानी कि अगर मान लीजिए अगर आप प्रेजेंटिव टैक्सेशन से अगर आप अपनी इनकम कम दिखाना चाहते हो, आप एक तरह से उसके अगेंस्ट चैलेंज कर रहे हो कि नहीं मेरी इनकम तो कम है, तो फिर आप कैसे शो करोगे? देन एट दैट टाइम यू नीड टू और देन एसएससी नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, पीएनएल अकाउंट आपके लिए बनाना जरूरी हो जाएगा, तभी तो आप क्लेम कर पाओगे, अदरवाइज क्लेम नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी प्रेजेंटिव टैक्सेशन क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर बताता हूँ, एक तरह की लिमिट होती है। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए कुछ भी हुआ कि ग्रोस रेट जैसे लिखा हुआ है 1.5 लाख, ठीक है, यहाँ पर कितना नेट प्रॉफिट 1,20,000। ठीक है, सो ये इसी कहते हैं आपकी, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टैक्सेशन यहाँ पे क्या होती है बेसिकली, जैसे मान लीजिए अगर आपकी ग्रोस रेट कितनी भी हो उसका 50% जो भी होगा, 50% ऑफ ग्रोस रिसीट, तो वो आपकी इनकम मान जाती है, और अगर आप उससे भी कम क्लेम करते हो कि नहीं मेरे तो इससे भी कम इनकम है, तो फिर उस केस में आपको जो है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन केस है, नोटिफाइड प्रोफेशनल्स, बिजनेस प्रोफेशन, एसएससी कवर्ड बाय प्रेजेंटिव टैक्सेशन। ये था आपका सेक्शन 44AA, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। बट इसमें एक और पॉइंट है, नोट पॉइंट देखिए, बुक्स ऑफ अकाउंट मस्ट रिटेन टिल 6 ईयर फ्रॉम दी असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर मतलब सर, आपने 1920 में पता करा,
असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ? 2021। यहाँ से इसी ईयर से आप जो है 6 साल काउंट होंगे, दैट मीन्स 2021, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25 एंड लास्ट 25, 26। इन 6 साल तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट रिटेन रखा है, संभाल के रखना है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 44A(b), ये किसके बारे में बताता है? टॉक टैक्स ऑडिट। क्या मतलब है उसका? जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ खड़े हो 2020 में, ठीक है, आपको इस साल के अंत तक, इस साल के पूरे साल में जितना भी कमाया, उस साल के अंत तक आपको पता करना है कि आपको टैक्स ऑडिट कराना ज़रूरी है या नहीं है। ठीक है, अगेन डिपेंड करते हैं कि आप एसएससी कौन हो। अगर आप नोटिफाइड प्रोफेशनल हो, नोटिफाइड प्रोफेशनल्स की डेफिनेशन वही सेम जो मैंने अभी हमें ऊपर पढ़े थी। अगर टर्नओवर 50 लाख से एक्सीड कर गया, कब? ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी कि इसी साल में, इसी साल में अगर टर्नओवर 50 लाख से एक्सीड कर गया तो अब आपके लिए टैक्स ऑडिट कराना ज़रूरी हो जाएगा। नेक्स्ट, बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन है आपका, और अगर आप सेक्शन 44AD में कवर होते हो, सेक्शन 44AD में कवर होते हो, अभी मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में 44AD क्या है। तो अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा हुआ है तो फिर आपके लिए टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी है, और अगर आप कवर नहीं कर रहे तो फिर 1 करोड़ से ज़्यादा हुआ तो आपके लिए टैक्स ऑडिट कराना ज़रूरी है। ओके, और अगर आप क्लेम करना चाहते हो कि नहीं मेरी तो बहुत इनकम कम है, यानी कि जो आपने गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने जो आपको एक मिनिमम अमाउंट बता रहा है, बता रखा है कि नहीं, अगर आप कुछ भी, आप अगर आप कहीं पर अप्लाई नहीं करते, यानी कि ना तो आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे ना आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपको एक मिनिमम अमाउंट बताता है कि इतनी इनकम या इतनी ग्रोथ सीट हुई तो इसका इतना परसेंट तो आपको PGBP इनकम मानी जाएगी। और अगर आप उससे भी कम क्लेम करना चाहते हो तो इन दैट केस यू नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, तभी तो आप प्रूफ कर पाओगे, दौरान प्रूफ ही नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट नोट क्या देखिए, एसएससी हैज़ टू फर्निश ऑडिट रिपोर्ट ऑफ CA बाय 30 सितंबर ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर अलॉन्ग विद रिटर्न, तभी माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। यानी कि जैसे देखिए, अगर आप बता रहे हो कि टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा है या नहीं है, तो उसके लिए CA की मोहर लगनी जरूरी है। अगर अब तक उसकी CA के साइन या स्टैम्प नहीं हो गए तब तक ये माना नहीं जाएगा कि आपका टर्नओवर इतना ही था। इसको और अच्छे समझने के देखिए सेक्शन 44AD और सेक्शन 44AA। देखिए अगर हम बात करें प्रेजेंटिव टैक्सेशन की, इन दिस केस प्रेजेंटिव टैक्सेशन इन दिस केस, तो क्या होता है, ध्यान देखिए, अगर गवर्नमेंट ही बोलती है कि ना तो आप नोटिफाइड प्रोफेशनल हो ना ही बिजनेस प्रोफेशनल हो जो कि 44AD में कवर हो रहे हो, दैट मीन्स ना तो आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है ना ही आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो उस केस में गवर्नमेंट आपको एक ऑप्शन देती है कि आपका ग्रोथ रिसीट कितना भी हो तो उसका आप 50% जो भी होगा वही आपकी PGBP इनकम मानी जाएगी। इसका मतलब यह है प्रेजेंटिव इनकम, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप इस कैटेगरी में फॉलो करते हो, कौन से कैटेगरी में, इस कैटेगरी में, अगर आप ये क्लेम करना चाहते हो या फिर एक चैलेंज करना चाहते हो गवर्नमेंट को कि नहीं मेरी ना तो ग्रोस रिसीट तो टोटल टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा है, ना ही मेरा टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है, ना ही मेरा टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, आप कहीं भी लाइन नहीं कर रहे, सो गवर्नमेंट आपको एक ऑप्शन देती है कि अगर आप कहीं भी लाइन नहीं कर रहे तो यहाँ पर एक अज्यूम्ड माना जाएगा कि आपने जो भी ग्रोस रिसीट है उसका 50% ही आपकी PGBP इनकम मानी जाती है, ठीक है। 44AD एंड 44AA, देखिए आप किसी किस लिए बात करी है, बिजनेस और अदर प्रोफेशनल्स, बिजनेस और अदर प्रोफेशनल्स। अगर आप GTA देखो, ऊपर पढ़ा था हमने, GTA कौन बिजनेस जो ट्रक चलाते हैं, दैट इज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ठीक है, ये हम कह रहे हैं GTA गेम की बात नहीं कर रहे, GTA दैट इज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट बिजनेस से रिलेटेड कोई भी कोई रन कर रहे हैं और आपके पास मान लीजिए अप टू 10
पूरे साल में अप टू 10 गुड्स व्हीकल हैं, पूरे साल में अप टू 10 गुड्स व्हीकल हैं। सो आप 44 AD AE में आते हो, और आपके लिए प्रेजेंटिव प्रेजेंटिव इनकम क्या मानी जाएगी, 7,000 पर मंथ पर व्हीकल, जितने व्हीकल हैं उसके 7,000 पर मंथ आपको पीजीबी इनकम का मानी जाएगी, या फिर 1,000 पर टन पर मंथ आपकी पीजीबी इनकम मानी जाएगी। ठीक है, सो इस केस में जो भी कुछ गिवन होगा आपको एग्जाम में, दोनों तो कभी गिवन हो नहीं सकते, एक ही गिवन होगा, दोनों में जो भी गिवन होगा वही एक इसकी जो प्रेजेंटिव इनकम मानी जाएगी। ठीक है, और अगर आप क्लेम करना चाहते हो कि नहीं मेरे तो ना कि मेरे दस दस से गुड्स तो कम है, लेकिन मैं क्या नाम है आपका जो है पीजीबी इनकम 7,000 पर मंथ पर व्हीकल नहीं है, क्लेम करना चाहते हो, चैलेंज करना चाहते हो, तो इन दैट केस यू आप किस में चलाओगे, 44 AB में। दैट मीन्स इन दिस केस यू नीड टू मेंटेन, और यू कैन से इट्स वेरी मैंडेटरी टू मेंटेन बुक्स और टैक्स ऑडिट, सॉरी टैक्स ऑडिट करना आपके लिए कंपल्सरी है। ठीक है, और अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में हो और आपका गुड्स व्हीकल 10 से ज़्यादा क्रॉस कर जाता है, 10 से ज़्यादा क्रॉस कर एक्सीड कर जाती है, और अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर चला जाता है, तो भी आपके लिए टैक्स ऑडिट करना ज़रूरी है। सर अगर गुड्स व्हीकल 10 से ज़्यादा हो और टर्नओवर 1 करोड़ से कम हो, तो तब आपको जो भी आप P&L बनाओगे वही गवर्नमेंट उसको स्वीकार कर लेगी। ठीक है, यानी कि इस केस में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आपका जो है गुड्स व्हीकल 10 से ऊपर चले गए और आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कोई आपसे रिपोर्ट नहीं मांगेगा। इस केस में जो भी आप P&L बना के दोगे वही गवर्नमेंट आपको मान के चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन हो, इस केस में आ रहे हो, इन सब में आ रहे हो, एजेंट हो, ब्रोकर हो, कोई अदर प्रोफेशन हो, अदर प्रोफेशन मीन्स अदर देन नोटिफाइड प्रोफेशनल्स, NR हो, कंपनी हो, LLP हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, ठीक है, और अगर आप 80C से लेकर 80U तक डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो, ठीक है, और अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हो, तब आप 44 AB में आओगे, यानी कि आपके लिए टैक्स ऑडिट करना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है सर, अगर 1 करोड़ से कम हो तो सेम वही केस जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कि जो भी आप P&L अकाउंट बनाओगे वही आपका गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट कर लेगी। ओके, अब देखिए हमारे बिजनेस प्रोफेशन कौन से कवर होगा, आपके GTA हो गए, सब एजेंट हो गए, ब्रोकरेज हो गए, CA हो गए, कंपनी हो गए, सब कुछ हो गया, कह रहा गया इंडिविजुअल HUF फर्म, इंडिविजुअल HUF फर्म, और अगर ये रेजिडेंट है और बेसिकली दे आर एंगेज इन एलिजिबल बिजनेस, एलिजिबल इन बिजनेस इन द सेंस यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट ने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की हुई है स्पेसिफिक बिजनेस की, अगर आप उन स्पेसिफिक लिस्ट में आते हो तो आप एलिजिबल बिजनेस रन कर रहे हो, जैसे कि ट्यूशन हो गया, ठीक है, कोई पर्टिकुलर ट्रेडर हो गया, होलसेलर हो गया, दैट मीन्स बहुत सारे एन नंबर लिस्ट है इसमें। ठीक है, तो उसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी बिजनेसमैन है अगर वो इन किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा है, ना तो वो GT में है ना ही वो इसमें आ रहा है, तो आप मान के चलिए वो एलिजिबल बिजनेस रन कर रहा है, बट कंडीशन क्या है, वो रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में देखिए, फिर से देखिए दो केस हो जाएंगे, अगर टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है तो फिर 44 AD में जाएंगे आप, दैट मीन्स टैक्स ऑडिट करना कंपलसरी है। ठीक है, हाँ जी, सॉरी, टैक्स ऑडिट करना कंपलसरी, आप सेक्शन 44 AD में आएंगे और सेक्शन 44 AD के अकॉर्डिंग आपकी प्रेजेंटिव टैक्सेशन ये होगी 8% या फिर 6% ऑफ टर्नओवर। सर ये 6% और 8% क्या है, मान लीजिए अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो, ठीक है, और आपकी जो रिसीट है या फिर जो सेल करते हो आप, वो कैश में भी करते हो और ऑनलाइन भी करते हो, यानी कि चेक से थ्रू करते हो या बैंक मोड के थ्रू करते हो, तो मान लीजिए आप कोई भी बिजनेस रन कर रहे हो और आप एलिजिबल बिजनेस रन कर रहे हो और आपका टर्नओवर जो 2 करोड़ से ऊपर तक ही है, 2 करोड़ तक ही है, ठीक है, तो आप सेक्शन 44 AD में आओगे, उस केस में आपकी जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन होगी, यानी कि गवर्नमेंट ने माना है कि इतना, यानी कि 8% या 6% तक आपको जो है टर्नओवर जो भी आएगा वो आपकी पीजीबी इनकम माना जाएगी। ठीक है, 6% का होगा अगर आप सारे के सारे सेल्स जो है बैंक मोड से कर रहे हो, यानी कि बैंक मोड से जितनी भी सेल होगी ना
उसका 6% आपका पीजीपी इनकम रहेगी, और अगर कैश में हुआ तो जितना भी कैश में है उसका 8% आपका पीजीपी इनकम मानी जाएगी। और अगर आप इसको भी चैलेंज करना चाहते हो कि नहीं मेरे तो इससे भी इनकम कम है, तो देखिए एरो देखिए मैंने लिखा है, इफ एसएससी वांट टू क्लेम द लोअर इनकम देन दिस प्रेजेंटिव इनकम देन अगेन यू नीड टू गो फॉर 44AB, यानी कि आपके लिए टैक्स ऑडिट करना कंपलसरी है, ठीक है। और अगर 2 करोड़ से एक्सीड हुआ तब भी आपको 44AB यानी कि तब भी आपके लिए टैक्स ऑडिट करना कंपलसरी हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए इसका, कैश और बैंक का देखिए, आप 1920 ईयर्स में हो, ठीक है, असेसमेंट ईयर क्या है 2021 है, असेसमेंट ईयर का ड्यू डेट ऑफ ITR आपका यहाँ पर इन मिडल में अप्लाई कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर में टर्नओवर कितना है देखिए 1.9 करोड़, ठीक है। मान लीजिए आपने सेल रिसीव किया 60 लाख, बैंक से कितना है 70 लाख, और आउटस्टैंडिंग यानी कि अभी आना बाकी है, ठीक है, वो कितना है 80 लाख है, ठीक है। बैंक अकाउंट में देखिए टिल ड्यू डेट तक कितना आ गया 30 लाख, तो बाकी कितना रिमेन रह गया 50 लाख, जो कि कैश मोड में आ गया, ठीक है। सो 44AD के अकॉर्डिंग आपकी प्रेजेंटिव इनकम क्या होगी, देखिए पीजीपी इनकम क्या मानी जाएगी आपकी, 6% तो आपके जितना भी बैंक मोड में है, देखिए बैंक मोड में क्या है 70 लाख प्लस 30 लाख यानी कि 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़ का 6% 6 लाख रुपये, बाकी जितना भी कैश मोड में है जैसे देखिए 60 लाख ये, और यहाँ से जितना भी आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग कितना था 70 लाख, ठीक है, सॉरी आउटस्टैंडिंग कितना था 50 लाख, तो 60 लाख प्लस 50 लाख कितना हो गया 1 करोड़ 10 लाख, सो उसका 8% यानी कि 8,80,000 वही PGBP इनकम मानी जाएगी, ठीक है। सो ये था आपका प्रेजेंटिव टैक्सेशन इन द केस ऑफ 44AD, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका डिडक्शन फॉर पार्टनरशिप फॉर्म अंडर सेक्शन 40B। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है एंड क्लास, अब आप इस चैप्टर के अंतिम चरण में पहुंच गए हो, तो ये समझ लो कि अब हम जो है लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये अच्छे से पढ़ना। अब तक हमने डिडक्शन पढ़ी है वो सब किसकी पढ़ी है, कंपनी की पढ़ी है, फॉरेन कंपनी की पढ़ी है, बिजनेसमैन की पढ़ी है, बट अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसके लिए डिडक्शन क्या क्या होगी वो यहाँ पर देखिए। मान लीजिए कोई 3 पार्टनर्स हैं, ये 3 पार्टनर्स हैं और ये मिलके जो है LLP या फर्म जो है बिजनेस जो है रन करते हैं। इन्होंने या तो मान लीजिए कोई कैपिटल लगाया होगा या फिर इन्होंने इस फर्म को जो मान लीजिए लोन दिया होगा, तो इन्होंने एक फर्म या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप खड़ी कर दी, और इनसे इनको हर साल जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10(2)(a) में, ठीक है, सेक्शन 2A में वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा किसके लिए, पार्टनर्स के लिए। और फर्म LLP इनको क्या दे रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रही है, इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन दे रही है, या फिर कोई सैलरी बोनस कमीशन दे रही है, ठीक है, तो वो तो डिडक्शन के लिए अलाउड है एज पर सेक्शन 40B, यानी कि फर्म या LLP अगर इनको कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रही है या फिर एनी काइंड ऑफ सैलरी बोनस या कमीशन दे रही है, तो उसके में जितने भी पेमेंट फर्म LLP पार्टनर्स को दे रही है वो सारा सारा अमाउंट जो है डिडक्शन के लिए मिल जाएगा, यानी कि P&L में डेबिट कर सकते हैं एज पर सेक्शन 40B। बट जितना भी अमाउंट डेबिट होगा डिडक्शन के लिए अलाउड है, वही पूरा का पूरा अमाउंट जो है पार्टनर्स के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। याद है मैंने अभी आपको थोड़ी देर में बताया था कि मैं आपको इस पॉइंट के बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, अभी देखिए मैंने अभी आपको डिस्कस किया था। ये देखिए 5th पॉइंट में, इंटरेस्ट सैलरी बोनस और कमीशन रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम फिलेंथ्रोपी PGBP टू द एक्सटेंड अलाउड, यानी कि पार्टनर्स के लिए एक्सटेंड कितना जितना मिला, नहीं देखेंगे कि जितना जितनी डिडक्शन बिजनेसमैन के अलाउड है उतना ही अमाउंट जो है पार्टनर्स के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। यह है मेथड ऑफ कंपटीशन टैक्सेबल PGBP इनकम फॉर फर्म और LLP। देखिए इसका सिंपल तरीका है, आपको फर्म और LLP केस में आपको ये मेथड फॉलो करना है, नेट प्रॉफिट आपको जितना भी गिवन है P&L के अकॉर्डिंग वो आप लिख दोगे, उसके बाद जितना भी अमाउंट उसमें आपको सैलरी या फिर इंटरेस्ट टू पार्टनर जितना भी डेबिट होगा वो पूरा का पूरा आप एड बैक कर दोगे,
ठीक है। देखिए मैं आपको सिंपल प्रोसीजर बता रहा हूँ कैसे करना है। पहले तो आपको क्या करना है, पी एंड एल अकाउंट से प्रॉफिट उठाना है। उसके बाद पी एंड एल में डेबिट में अगर इंटरेस्ट टू पार्टनर या सैलरी टू पार्टनर जो भी गिवन होगा, जितना भी गिवन होगा उसको आप ऐड बैक कर दो। उसके बाद आप पी जी बी में जितने भी एडजस्टमेंट हो रही है, प्लस और माइनस जो भी हमने ऊपर रखने पड़ा वो सब कर लो। आफ्टर दैट यू विल गेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी, क्योंकि अब तक आपने पे नहीं किया उसको, वो तो आपने ऐड बैक कर लेगा। तो क्या है आपके पास, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी। इंटरेस्ट आपको देखिए कितना माइनस करना है, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स एज पर डेट, यानी कि जो एग्रीमेंट में गिवन होगा इंटरेस्ट टू पार्टनर, या तो वो माइनस करोगे या फिर मैक्सिमम कितनी लिमिट है, 12% पर एनम, विच एवर इज लोअर इज अलाउड फॉर डिडक्शन। उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, बुक प्रॉफिट। क्या मिलेगा आपको, बुक प्रॉफिट। अब इसी में से बुक प्रॉफिट के बाद आप जो सैलरी का तो कैलकुलेट कि इंटरेस्ट टू सैलरी कितनी आपको माइनस करनी है। तो क्या क्या माइनस कर सकते हो, एज पर डीड या जो भी अलाउड है, या फिर मैक्सिमम लिमिट जो भी होगी, विच एवर इज लोअर विल बी अलाउड एज डिडक्शन। उसके बाद माइनस करके क्या मिलेगा आपको, पीजीएपी। अब आपको बस ये देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम लिमिट क्या, कि देखिए इंटरेस्ट में कितना है, इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर इंटरेस्ट कैपिटल कितना आपका अलाउड है, 12% पर एनम, बट इन दी केस ऑफ सैलरी वो कितना अलाउड है वो अब हमें अच्छे से पढ़ना है। देखिए ये लिमिट इसी के लिए है, देखिए क्या लिमिट है, ऑन द फर्स्ट ₹3 लाख ऑफ द बुक प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस, यानी कि अगर आप सैलरी टू पार्टनर कितना भी दे रहे हो, उसका जो पहले जो 3 लाख अमाउंट है या फिर जो लॉस है उसके लिए मैक्सिमम रेमुनरेशन कितना अलाउड होगा, 1.5 लाख, या फिर एट द रेट ऑफ 90% ऑफ बुक बुक प्रॉफिट, विच एवरेज मोर, विच एवरेज मोर। आई रिपीट, सैलरी जितने भी पार्टनर्स को मिल रही है उसका पहला जो 3 लाख रुपए है ना, उसकी मैक्सिमम रेमुनरेशन कितनी होगी, 1.5 लाख होगी, या फिर 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, विच एवरेज मोर। जो और जो बैलेंस अमाउंट होगा देन वी विल टेक 60% ऑफ बुक प्रॉफिट। मैं होप करता हूँ कि आपको समझ नहीं आया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसका आपको एक क्लियरली एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए ये बुक प्रॉफिट है 1 लाख, ये लॉस है -20,000, 3 लाख, 3,80,000, 3.5 लाख, और फिर यही फर्म जो है इनको एक्चुअल सैलरी पार्टनर्स को कितनी मिल रही है, 75,000, 60,000, 4 लाख, 3,50,000, 2,50,000। अभी हमें से पहले देखना है कि मैक्सिमम डिडक्शन यानी कि कितनी मिलनी चाहिए एज पर दिस। हम क्या कर रहे हैं, देखिए मैक्सिमम लिमिट निकाल रहे हैं इस केस में, मैक्सिमम लिमिट ध्यान से देखिए कैसे निकालना है। क्या बोल रहे, क्या लिखा है, ऑन द फर्स्ट 3 लाख, देखिए बुक प्रॉफिट कितना है, 1 लाख है, ठीक है, सैलरी कितने दे रहे हैं, 75,000। देखिए कैसे करना है कैलकुलेट आपको, ऑन द फर्स्ट 3 लाख अमाउंट ऑफ बुक प्रॉफिट कितना होगा, 1.5 लाख, या फिर 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, विच एवरेज लेस, तो 3 लाख से कम है तो क्या देखेंगे, 1.5 लाख, या फिर 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें आप 90% ऑफ बुक प्रॉफिट कितना हो गया, 90,000, या फिर 1.5 लाख, विच एवरेज मोर, कितना अमाउंट हुआ, 1,50,000। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ लॉस, लॉस में भी कितना होगा, 1.5 लाख, या फिर 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, ठीक है, सो क्यों कितना आएगा, अगेन 1.5 लाख। आप ध्यान से समझिए, मैं लिख देता हूँ फिर से कैसे निकालना है। देखिए फर्स्ट केस में बुक प्रॉफिट कितना है, 1 लाख है, उसमें क्या करना है आपको, या तो आप 1.5 लाख देखो, ठीक है, या फिर 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, तो 90% ऑफ बुक प्रॉफिट कितना हुआ, 90,000, विच एवर इज मोर दैट इज 1,50,000 विल बी टेकन एज मैक्सिमम डिडक्शन। ओके, सेम इन द केस ऑफ लॉस, ठीक है, तो मैक्सिमम मोर का अमाउंट कितना होगा, 1.5 लाख। अब बात करते हैं 3 लाख की, देखिए थर्ड पॉइंट क्या, 3 लाख,
सो 3 लाख के तक ही है ये, अभी हम फर्स्ट केस ही पढ़ रहे हैं अपन। तो 3 लाख तक कितना होगा, 1.5 लाख, या फिर देखिए कैसे करेंगे थर्ड पॉइंट में, 3 लाख है इसमें कह देंगे 1.5 लाख और 90% ऑफ 3 लाख विच कम्स टू माउंट रुपीज 2,70,000। नाउ विच एवर इज मोर विल बी टेकन एज मैक्सिमम डिडक्शन, कितना हो गया 2,70,000। अब देखिए फोर्थ केस में देखिए कितना है, 3,80 है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम। पहले तो हम फर्स्ट 3 लाख पे देखेंगे भाई, फर्स्ट 3 लाख पे देखेंगे पहले हम कैसे करते, तो वही सेम 1,50,000 और 90% ऑफ 3 लाख, 90% ऑफ 3 लाख कितना हो गया, 2,70,000 हो गया अपना। प्लस इसमें क्या ऐड होगा, देखिए बैलेंस में कितना था, ऑन द बैलेंस ऑफ बुक प्रॉफिट बैलेंस कितना हो गया, हमने फर्स्ट 3 लाख रुपये निकाल लिया, बैलेंस कितना रह गया 80,000, 80,000 में क्या लेना है हमें 60% ऑफ बुक प्रॉफिट, 60% ऑफ बुक प्रॉफिट, तो 60% ऑफ 80,000 ही लेना है हमें, दैट इज 48,000 ऐड कर देंगे, कितना आएगा आपका 3,18,000। ठीक है, सो मैक्सिमम डिडक्शन कितनी होगी 3,18,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए 3,50,000 कैसे निकालना है, फर्स्ट 3 लाख पे देखिए सेम अमाउंट आएगा, दैट इज 2,70,000। ठीक है, रेस्ट 50,000 पे कितना आएगा, 60% ऑफ दिस अमाउंट दैट इज 30,000, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ गया आपका 3 लाख। नाउ दिस अमाउंट विल बी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन, ये आ गया। ठीक है, ये मैक्सिमम अमाउंट। अब एक्चुअल डिडक्शन कितनी मिलेगी, एक्चुअल डिडक्शन कितनी मिलेगी, देखिए यहाँ पर देखिए मैं क्या पढ़ता है, एक्चुअल कितनी मिलेगी, या तो एज पर डीड या फिर मैक्सिमम लिमिट। एज पर डीड ये मान लीजिए कितनी मिल रही है, ये एज पर डीड मिल रही है, ठीक है, तो एक्चुअल डिडक्शन कितनी कितनी मिलेगी, 75,000 या फिर 1.5 लाख विच एवर इज लेस, सो 75,000, 60,000, 2,70,000, 3,18,000 या फिर 2,50,000। ठीक है, अब टैक्स वाले के लिए पार्टनर्स के लिए कितना होगा, जितना उनके लिए डिडक्शन अलाउड है उतना ही, यानी कि ये पूरा का पूरा अमाउंट जहाँ पर सबके में केस में कॉपी पेस्ट हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, ना मान लीजिए सपोज देर आर 3 पार्टनर्स एक्स वाई जेड, एक्स को मिल रहा है एज पर डीड सपोज 40,000 पर मंथ, वाई को मिल रहा है सपोज 20,000 पर मंथ, एंड जेड को मिल रहा है सपोज 10,000 पर मंथ। एक्स कौन है यहाँ पर, वर्किंग पार्टनर, ये भी वर्किंग पार्टनर है, बट ये कौन है, नॉन वर्किंग पार्टनर है। ठीक है, नॉन वर्किंग पार्टनर को जितनी भी सैलरी है वो डिस अलाउड होती है, तो इस केस में हम इसको तो हम देखेंगे ही नहीं, इग्नोर करेंगे इसको तो हम। ठीक है, इसको हमें इग्नोर करना है। ठीक है, अब मान लीजिए बुक प्रॉफिट आपको गिवन है, एट लैख 70,000, तो देखिए कैसे करना है, पहले तो इस पर हम लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट देखिए क्या होगी, फर्स्ट देखिए 3 लाख पे कितना होगा 2,70,000, रेस्ट कितना बचा आपका 5.7। ठीक है, तो उस पर कितना होगा 60% विच कम्स टू अमाउंट रुपीज 3,42,000, टोटल कितना हो गया 6,12,000। ये क्या है आपका मैक्सिमम लिमिट,
एज पर डेट देखिए सिर्फ इन दोनों का ही ऐड होगा, कितना हो गया 60,000 मल्टीप्लाई बाय 12, दैट मीन 7,20,000। नाउ विच एवर इज लोअर विल बी अलाउड एज डिडक्शन, दैट इज 6,12,000। ओके, सो ये था आपका कंसेप्ट, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट टैक्सेबल पीजी इनकम इन द केस ऑफ फर्म और एलएलपी। ओके, सो क्लास विद दिस वी हैव फाइनली फिनिश्ड चैप्टर इनकम फ्रॉम पीजी बुकिंग। आई होप आप सबको समझ आया होगा। सो वी विल डू लाइव, वी विल डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन इन द लाइव क्लासेस। ओके, थैंक यू।